युवा केंद्र सोलन द्वारा जिला परिषद के हॉल में युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं एवं निवेश की जानकारी के लिए लगाए गए 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। समापन अवसर पर राज्य पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष रश्मि दर्सूद मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष युवाओं को अपने अपने विषय में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवाओं को जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि आज संपन्न हुई है, जिसमें निवेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञ युवाओं को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित युवाओं को निवेश, LIC, CSC, जिम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, साइबर क्राइम सहित विभिन्न अमूल्य प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के बारे में युवाओं को जागरूक किया गया, जो कि आने वाले समय में युवाओं के लिए लाभकारी होगा। केंद्र के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट सत्र जो चल रहे थे, उसका आज समापन था, जिसमें किस तरह से आपने अपने आप को सुरक्षित रखना है, LIC, किस तरीके से मुद्रा योजना, इन सब के बारे में जो आज यूथ को 3 दिन से जानकारी मिल रही थी, पोर्टल में अपने आप को कैसे दर्ज करना है, जेम पोर्टल में कैसे डालना है, नशे से कैसे मुक्त करना है, साइबर कैफे, साइबर क्राइम से अपने आप को कैसे बचाना है, इन सब के सत्रों के मध्य आज समापन था। और युवाओं से मिलने का एक इतना बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था। मैं ईरा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नेहरू युवा केंद्र को बधाई देती हूँ कि इतना सफल कार्यक्रम उन्होंने किया, जिसमें यूथ को जागरूकता मिली और यूथ आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करेगा कि हमें कुछ नया करना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है और 10 लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको रोज़गार देना है। नेहरू युवा केंद्र की सरकार के माध्यम से जो ये योजना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और ईरा जी और उनकी पूरी टीम को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यूथ से मेरा आह्वान है कि आगे बढ़ें और इन योजनाओं का जो प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हैं, उनका लाभ उठाएं। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।